मॉर्निंग गाइज, अभी हम जा रहे हैं, आज नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तुम्हारा कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। हम जा रहे हैं अल्मोड़ा, और अभी जैसे काम है हमें अल्मोड़ा में, दीदी का काम है वैसे तो। काम थोड़ी है हमारे साथ, अभी हो गया हमारा मेडिटेशन सेंटर है ना, हम सोच रहे वहाँ जाके हम मेडिटेशन करेंगे। तो गाइज अभी हम निकल रहे, अभी हम हवा बनाने के लिए रुके थे यहाँ पे। चले यहाँ पे भीमताला रोड में मिल जाएंगे आपको, ये यहाँ पे मोड़ के बाद है। और ये अभी मयंक भाई चला रहे हैं गाड़ी। चलो मयंक भाई चलते हैं। अभी हम बैठ गए गाड़ी में, अभी मयंक भाई चला रहे हैं गाड़ी। और हमें काम तो मेन दीदी का ही काम था, उसी के लिए जा रहे थे हम। तो क्या काम था दीदी आपका? पासपोर्ट। दीदी जाएगी बस। अभी हम पहुंचे, थोड़ा आवाज कम करना गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंचे तुम्हारा कैसी धाम, पार कर दिया हमने। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई है बिल्कुल स्माइल करते हुए, स्माइल। तो यहाँ पे अभी हमारे ड्राइवर बने हैं मयंक भाई। तो ये नज़ारे देख लो गाइस। अरे गाय गौ माता की जय हो। हॉर्न चेक करा दो, हॉर्न चेक कर लो गाइस। देखो ये हॉर्न तो कतई जहर है गाइस, और गाने बज रहे हैं बिल्कुल स्लोमो में। अभी गाने मत बजाओ गाइस, कॉपीराइट बज जाएगा अभी। हां कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट भी तो लगता है गाइस। तो ये देख लो दीदी की स्माइल यहाँ पे, हंस दे यार एक बार। तो गाइस यहाँ पे ऐसी है बिल्कुल, अभी जाम लगा हुआ है बिल्कुल। अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, ये देख लो, फिर अब चाय पियेंगे सबके सब। अभी अरे रे 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 रे, चक्कर जैसे क्या आ रहे हैं। मयंक भाई उतरोगे अब गाड़ी से? ये देख लो मयंक भाई को, मयंक भाई उतर जाओ। मयंक भाई क्यों सर मारे हो? शरमाना पड़ता है यार। अच्छा तो गाइस अभी हम आ गए, ये ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है गाइस वहाँ पे से, ताज़ा ताज़ा पानी पीते हैं हम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। ये ले ले, देख ले इसको ही, देख लो पहले गाड़ी की वॉशिंग कर ले। तो गाइस अभी हम गाड़ी धो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी गंदी होगी, धूल मिट्टी बहुत है यहाँ। गाड़ी ऐसे गाड़ी धोनी होगी तो भाई के वहाँ आना ऐसे। चलो देखते हैं अभी तुम्हें, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, थोड़ी गाड़ी की सफाई वफाई करते हैं। इधर को दिखाना, वहाँ का दिखा दिए। गाइस अभी हम पहुंच गए अल्मोड़ा, और यहाँ पे ये यहाँ पे भाई व्लॉग बनाते हुए, और यहाँ पे से हिमालय बड़े अच्छे दिख रहे हैं यार वैसे। अभी तो मेरा हिमालय यहाँ पे, अभी मयंक भाई का भांजा आ रहा है, ये मयंक भाई का भांजा यहाँ पे। तो गाइस अभी हम मिलते हैं तुमसे, हमारी गाड़ी वो वहाँ पे खड़ी है बीच रोड में। तो यहाँ पे अभी हम पहुंचे हैं तुम्हारा, वहाँ हम तो पहुंच गए, यहाँ का व्यू पॉइंट है शायद से। वह व्यू तो कुछ है भी नहीं, मतलब खाली एक हिमालय दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा। और ये मयंक भाई है यहाँ पे। तो अभी हम दिखाते हैं तुम्हें क्या काम कराते हैं हम। चलो ठीक है भाई, अभी हम पहुँच गए हैं अल्मोड़ा में, और हम बाइक में हैं, और मयंक भाई पीछे से गाड़ी ला रहे हैं। तो देखो तो आगे अंदर से इशारे कर रहे हैं हमें। तो अभी हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा, और हम अभी डालेंगे पार्किंग में, यहीं कहीं पार्किंग है बोल रहे थे सिटी मॉल के वहाँ पे, उसकी छत में लगाएंगे गाड़ी। ये चलते चलते थक गए बहुत बुरी तरीके से हम, मतलब आधा एक किलोमीटर चली गए होंगे अभी हमने जाना। आधा किलोमीटर और, आधा किलोमीटर और है बोल रहे थे। तो अभी हमने जाना था पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे दो बांदर देखो ऐसे घर होने चाहिए। होटल हेरिटेज यही आएंगे यार एक बार रुकने के लिए, बहुत सही लग रहा है। पाथर वाले घर हैं ये, हमारे पहाड़ के घर हैं गाइस। तो ये लोगों को देख के पता नहीं हंसी क्यों आ जाती, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। बाकी तो डैश डैश, बाकी समझ नहीं आ रहा। हमने अब थोड़ा गाली देना कम कर दिया ना इसमें व्लॉग में, तो इससे बढ़िया व्लॉग अच्छे बनाए। ये मयंक भाई हमारे, जैसे परसों बताया था खिल्लू भाई ने, बताया था कि हम गालियां देते हैं तो भाईचारे का हिसाब रहता है। ये नहीं कि भयंकर, वो ऐसा है कि वो दोस्ती आ रही में चलती है, लेकिन किसी और को दो तो फिर तब झक पड़ता है। अभी दोस्ती आ रही वाली हम किसी और को नहीं देते, वो अपने अपनी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है। खाली वो फिर खाली एक बोला तो सही, बकचोदी के माध्यम से है बस, हो गया और कुछ नहीं है। जा रहे हो भाई, जोर से बोलो आप। भागो मत यार, तुम्हारी कुछ कुछ हिल रही है। अरे ये अल्मोड़ा के बीच बाजार में यहाँ पे नाचते हुए मयंक भाई। मयंक भाई भाई तो हमेशा सुसू करते हुए ले लेता है इतनी बार, भाई ठंडा लग जाता है ना भाई। अभी हम पहुंचे तुम्हारा क्या है ये, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में पहुंचे। 1903 का है भाई ये हमारे कमल भाई, ये गाइड हमारे गाइड हैं ये, 1903 का बता रहे हैं अभी ये। तो अभी हम पहुंचे तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में, अभी यहाँ से काम कराते हैं। हैं पोस्ट ऑफिस तो चेक करा दो, पोस्ट ऑफिस ये है ना, मतलब यही है। दिखा तो दिया, कितने बार दिखाऊंगा। चलो
हाँ जल्दी चलते हैं। अरे अरे सीढ़िया नहीं दिख रही ना यार, तो अभी काम निपटाते फिर मिलते हैं आपसे सबसे। बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे मयंक भाई के साथ। अरे तुम्हारी डोई क्यों हिल रही थी मयंक भाई तो अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं किसी की हल्लेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। ये मयंक भाई की डोई देख लो फिर। अब मयंक भाई क्या कर रहे हो ऐसा अभी हम आए थे ये पोस्ट ऑफिस में, ये देख लो इन दोनों को, बस काम ही क्या है इनका सुनने के अलावा। तो फोन चला रही है। अरे ये तो फोन चला रही है। देखियो ये देखियो इसको, क्या हो गया बबुआ? ओह पता नहीं क्या हो गया गाइस इनको। अभी कितना सैयार देखियो है ना, मजेदार भी होगा यहाँ का। तो गाइस अभी बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से फ्री हुए हैं। हम तीनों जने यहाँ पे बैठे थे, बड़े बोर हो गए। ये इसका काम था, बड़ी मुश्किल से दुविधा हो गई गाइस हम पे कि हम यहाँ कैसे समय काटे हो गई। यहाँ पे हम आ गए थे तुम्हारा 1:30 बजे और अभी 3:30 बज रहा है, और इसको कोई चिंता नहीं है कि वो बिल्कुल कॉल में बात करे जा रही है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं घर को, अब घर को ही निकलते हैं। अब 3:30 बज गया, अब यहाँ से हल्द्वानी जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी देखो, अभी तुम्हें दिखाते हैं बीच में व्यू, एक जगह रुकेंगे या फिर दिखाते हैं तुम्हें नदी है वहाँ पे, बढ़िया करके दिखाते हैं तुम्हें व्यू। ये चीज़ें मयंक भाई यहाँ पे व्लॉग बनाते हुए, ये देखो मयंक भाई को। अरे रे रे रे, हम आ रहे थे अल्मोड़ा से नीचे को, तो और हमारा चालान कट गया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। ये देख लो चालान कैसे कटा है यहाँ पे हमारा, ये देख लो अमाउंट नहीं दिखाएंगे, चालान देख लो। ये देखो मयंक भाई को यहाँ पे। अरे और अभी हम पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, और भाई के साथ थोड़ी बकचोदी करते हैं। अभी देखना तुम बोलना, यही बोलना भाई 500 रुपए का चालान, 500 रुपए का डाल दिया। मयंक भाई बोलेंगे तूने चालान तो बता दिया कितने का कटा है। अरे कोई बात नहीं, सॉरी गाइस बीप कर देंगे। भैया 500 का डाल दो, चालान कट गया ना डाल दो। अरे ढक्कन तो बोल दे, भैया डालने को तैयार हो गए 500 रुपए का तेल। मयंक भाई चालान वाला तेल, चालान वाला तेल भैया डालने को तैयार हो गए। तो ऐसी ही फिर चलान कट गया भैंकर अच्छा खासा, देख लो कितने डालना है। अभी हम आए हैं एक अच्छी सी लोकेशन में, और यहाँ पे बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये देखो गाइस यहाँ पे दीदी अभी फोटो खिंचवा रही है, ये फोटोग्राफर ये देख लो, ये मयंक भाई बैठे हैं यहाँ पे बहुत दूर। ये देख लो गाइस यहाँ पे व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब वैसे व्यू, मतलब ये पड़ता है तुम्हारा खैरना से आगे को, ये काकड़ी घाट के बीच में पड़ता है। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है अपनी ऊपर पे, यहाँ पे गाय भी है। कूड़ा बहुत करते हैं गाइस उत्तराखंड में, जाड़ा ऐसा हो रहा है, ठंडा ऐसा, हाँ गाइस ठंडा ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा। मतलब मैंने पहले ये पहना था, जाड़ है गो, अब बोलो जाड़ है गो, ठंडे में खड़ा कहाँ होता है तो ये देखो गाइस व्यू है यहाँ पे, और हमने गाड़ी ऊपर खड़ी करी। मतलब आओ यहाँ, मतलब लेकिन ये नहीं कि ऐसी हरकतें करनी है, ये सबसे बेकार हरकतें हैं। ये देखो कांग्रेस के पूरे वो झंडे पूरे वो कर रखे हैं यहाँ पे, फेंक रखे हैं, कूड़ा फेंक रखा है। मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाओ सालो, कम से कम आ रहे हो उत्तराखंड में भैंसो, ऐसे तुम कूड़ा करकट फेंक के जा रहे हो भैंसो, कुछ तो शर्म करो छूतियो। तो गाइस अभी हम पहुंचे तुम्हारा सलड़ी से थोड़ा सा नीचे पे, अभी यहाँ पे रुके थे हम खाना खाने के लिए। यहाँ पे मयंक भाई अपना सूट कर रहे हैं, और अभी बहुत थक गए थे यार, मयंक अल्मोड़ा से चला चला के थक गए अब तो। मयंक भाई तुम तो बैठे बैठे थक गए होगे पीछे। अब क्या करूँ, चला तो दे रहा। अच्छा मैं नहीं चलान दे रहा हूँ, तुम थक गए बोलो पहली। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ खाते हैं, फिर बनाते हैं व्लॉग। ओके बाय।